काफी ज्यादा हमारे जेड प्लांट पर ग्रोथ हो चुकी है मात्र 23 दिन में, 23 दिन पहले की मैंने प्रूनिंग की थी। तो दोस्तों आप ऐसी ग्रोथ कैसे पा सकते हैं, कौन सा फर्टिलाइजर आपको यूज करना है और कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों ये है मेरा जेड बोनसाई कलेक्शन, देखिए काफ़ी खूबसूरत मेरे प्लांट हो चुके हैं और इन प्लांटों की मैं समय समय पर वीडियो अपडेट करता रहता हूं, जिनका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो और ऊपर आई बटन में भी मैं कुछ वीडियो के लिंक दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों कौन सा फर्टिलाइज़र उपयोग करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ वीपीएन और आप देख रहे हो वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म। तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, ये है मेरा जेड प्लांट जो कि अंडर ट्रेनिंग चल रहा है और उम्र की बात करें तो दोस्तों लगभग 9 साल हो गए इस प्लांट पर मुझे कार्य करते हुए। काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है इसकी, मैं हर 15 दिन के बाद प्रूनिंग करता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी प्रूनिंग की है और इसकी ग्रोथ अभी स्टार्ट हो चुकी है। आप नीचे देख सकते हो जो मैंने कुछ दिन पहले प्रूनिंग करी है उसके कुछ टुकड़े नीचे पड़े हैं। तो दोस्तों काफ़ी जो दर्शक है उनके कमेंट आ रहे हैं बार बार कि हमारे प्लांट पर पर्याप्त मात्रा में जो जेड प्लांट की ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही, तो हम उसको कौन सा फर्टिलाइज़र दें, कैसे दें। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, इस प्लांट पर आपको डेमो करके दिखाने वाला हूं कि आप अपने प्लांट की ग्रोथ फास्ट गति से कैसे कर सकते हो। दोस्तों जेड प्लांट की ग्रोथ अच्छी लेने के लिए सबसे पहले तो उसकी जो सोइल मेथड है वो आपका एकदम अच्छा होना चाहिए। वेल ड्रेन सोइल ही जेड प्लांट के लिए सबसे अच्छी सोइल है और इसको आप प्रतिदिन पानी दीजिए। अभी कुछ दिन के बाद मानसून सीजन आने वाला है, उसके बावजूद हमारे यहाँ राजस्थान में उमस काफ़ी ज़्यादा है, तो सुबह और शाम दोनों टाइम इस प्लांट को मैं पानी देता हूँ। और एक जो मैं फर्टिलाइज़र हमेशा अपने जेड प्लांट पर उपयोग करता हूं उसका फवारा मैं लगभग 10 से 15 दिन के बीच में देना स्टार्ट कर देता हूं। अभी पीछे मैंने दोस्तों ये था कि दोस्तों हमारे प्लांट को पहले था जंगल बराबर नीचे अपने उस कटिंग के जो बेड है वो तैयार कर रहा हूं, का ढेर लग चुका है। दोस्तों जेड प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट है, इसकी केयर करना बहुत ही आसान है। तो चलिए वो कौन सा फर्टिलाइज़र देता हूँ मैं उसकी जानकारी दे देता हूँ और नीचे से इसका मैं व्यू दिखा रहा हूँ, काफ़ी सुंदर इसका व्यू हो चुका है, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ मैं 2 लीटर की पानी की बोतल ले रहा हूँ और इसके अंदर लगभग 1.5 लीटर मैंने पानी डाल लिया है और NPK 19-19-19 फर्टिलाइज़र जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, इसकी 1 चम्मच जो चाय की हमारी चम्मच होती है वो 1 चम्मच इसके अंदर उपयोग करने वाला हूं। और इस फर्टिलाइज़र को हमें कैसे देना है, कौन सा वो तरीका है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हो दोस्तों 1 चम्मच मैंने इस बोतल के अंदर NPK 19-19 डाल लिया है, ये पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील है। इसको बोतल के अंदर डालने के बाद आप अच्छी तरह से मिलाएं ताकि ये पूरा मिक्स हो जाए और अपने प्लांट के ऊपर फुवारा दीजिए। ये प्रोसेस आप अभी आगे मानसून का सीजन आ रहा है यानी ग्रोथ जो है वो आपकी अच्छी होने वाली है, तो आप हर 10 दिन के बाद NPK का फवारा इस प्लांट के ऊपर दे सकते हो, आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। ध्यान रहे जो मात्रा है वो 2 लीटर या 1.5 लीटर पानी में 1 चम्मच ही उपयोग करनी है। और दोस्तों पत्तियों को ऊपर और नीचे दोनों साइड से इस प्लांट को आपको फवारा करना है, पूरा का पूरा प्लांट को नहला देना है ऐसा मान के चलो। जितनी ज़्यादा मात्रा में आप इसके ऊपर छिड़काव करोगे उतनी ज़्यादा मात्रा में आपका प्लांट ग्रोथ करने वाला है। ऐसी कोई भी पत्ती न रहे प्लांट की जहां आपका NPK का फवारा नहीं पहुंच रहा, ये विशेष ध्यान रहे। मतलब हर एक हिस्से में आप NPK का फवारा देंगे और सुबह और शाम दोनों टाइम आप इस प्लांट में वाटरिंग करेंगे और पर्याप्त धूप में इस प्लांट के पॉट को आपको रखना है, जिसके कारण इसको पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती रहे और आपका जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ करे। ये देखिए दोस्तों प्लांट के नीचे के साइड भी मैं अच्छे तरीके से इस NPK का फवारा दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी स्थान नहीं छोड़ता मैं जहाँ NPK न पहुँचे।
तो यही प्रोसेस है दोस्तों, सिंपल सा तरीका है। एनपीके के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। दोस्तों प्लांट के सभी पत्तियों पर एनपीके पहुंच चुका है ऊपर और नीचे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए चारों ओर मैंने इसको एनपीके का फवारा लगा दिया है। चलिए पत्तियों के नीचे की साइड भी दिखा देता हूँ, और पत्तियों के ऊपर आप पानी की बूंदें जमा हुए देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों नीचे की साइड भी पूरी की पूरी भीग चुकी है, ये देखिए। इसी हिसाब से आपको प्लांट के पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों साइड एनपीके का फवारा अच्छे तरीके से करना है। ये देखिए दोस्तों प्लांट से जो मैंने एनपीके दिया है उसकी बूंदें नीचे गिर रही है, इतना ज़्यादा मैंने इसके ऊपर छिड़काव किया है जिसके कारण पूरा का पूरा प्लांट हमारा गीला हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ दिन के बाद रिजल्ट के साथ। तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगभग 23वां दिन है और 23वें दिन की आप ग्रोथ देख सकते हो मेरे प्लांट पर, काफ़ी ज़्यादा इसने ग्रोथ कर ली है। दोस्तों इसकी ग्रोथ देख कर तबीयत खुश हो रही है। एनपीके का जो कमाल है वो आप सामने देख सकते हो। प्लांट के पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों साइड मैंने एनपीके दी है जिसकी बदौलत आप इसकी जो ग्रोथ है वो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और प्लांट में इतना ज़्यादा वजन हो चुका है दोस्तों। इसकी पत्तियां पूरे के पूरे गमले को कवर कर चुकी है और नीचे जमीन तक फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है दोस्तों। चलिए मैं आपको ऊपर से दृश्य दिखा देता हूँ, और ये देखिए टोटल की टोटल नई ग्रोथ है दोस्तों। इनकी जो आप डंडी देखेंगे, जो स्टेम देखेंगे, वो एकदम रेड कलर की नज़र आ रही है, यानी जो भी रेड कलर की आपको इसकी ब्रांच दिखाई दे रही है वो सब की सब नई ग्रोथ है, और जो रूट्स है वो दोस्तों नीचे छुप चुकी है, ये देखिए। दोस्तों अगर आप भी अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो एनपीके 19-19-19 का फवारा दीजिए 10 दिन में एक बार, और प्लांट की पत्तियों के ऊपर और नीचे। यही एक सिंपल सा मेथड है, और आपके जो प्लांट की सोइल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। दोस्तों एक दृश्य पहले मैंने आपको दिखाया था और एक अभी दिखा रहा हूँ प्लांट के नीचे से, ये देखिए। पहले हमें ऊपर आसमान दिखाई दे रहा था इन पत्तियों के अंदर से, क्योंकि प्रूनिंग हो चुकी थी, और अभी पूरा का पूरा आपको पत्तियों से भरा हुआ प्लांट नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये था तरीका हमारे प्लांट को एकदम घना जंगल बनाने का, और अभी इस प्लांट की मैं वापस प्रूनिंग कर देता हूँ, और जो ब्रांचें निकलेगी आप उन्हें भी ग्रो कर सकते हैं वो भी एकदम आसानी से, क्योंकि अभी मानसून सीजन आ गया है। मानसून के सीजन में जेड प्लांट काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाता है। तो कैंची की सहायता से दोस्तों मैं फटाफट इसकी प्रूनिंग कर देता हूं, और जो रूप इसका पहले था वही वापस ले आता हूं। ये देखिए दोस्तों जो रूप इस प्लांट का पहले था वैसा का वैसा आ चुका है, और नीचे आप इसकी जो कटिंग है वो देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कटिंग का ढेर लग चुका है। दोस्तों आप इन कटिंग को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ग्रो कैसे करना है इसके लिए भी 2-3 तरीके हैं, उनकी वीडियो अपडेट की हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे देता हूँ मैं। दोस्तों प्लांट की पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है जिसके कारण ये प्लांट झुका हुआ है, तो नीचे से मैं इसकी जो रूट्स है वो नज़र आनी चाहिए, इसके लिए मैं नीचे से भी इसकी प्रूनिंग कर देता हूँ ताकि जो हमारे प्लांट की रूट है वो सामने नज़र आती रहे। दोस्तों जो हमारे प्लांट का पहले स्वरूप था वैसा का वैसा स्वरूप अभी आ चुका है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी प्रश्न है जेड प्लांट से संबंधित आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद जल्द ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।